ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 6 में रिकर्सिव असाइनमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस की सॉल्व करी, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकर्जन टॉपिक आया था इसके बाद, तो रिकर्जन के हम लोग कुछ बहुत क्वेश्चन करेंगे और कुछ बहुत नॉर्मल असाइनमेंट्स भी हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। तो ये क्या कह रहा है कि एक 10 सब स्ट्रिंग ऑफ अ नंबर हमें फाइंड करना है। 10 सब स्ट्रिंग क्या होता है, अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या होता है। देखो जैसे कि हमारा एक नंबर है ये 3523014, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमें ये इनपुट दिया जाएगा, मुझे क्या करना है, मुझे इन इन ये लाइन से जितनी भी डिजिट दी गई मुझे इनका सम करके 10 बनाना है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिनको मैं यूज करके 10 बना सकता हूँ। तो और एक कंडीशन यहाँ पे ये दी गई है कि मुझे लाइन से सारे करेक्टर्स उठाने हैं, जैसे कि 3 + 5 + 2, तो 3 + 5 8, 8 + 2 10, मतलब 3 5 2 जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है। अब एक बार 3 5 2 मिल गया, अब अगली बार 5 से उठाएंगे, 5 + 2 मतलब 7, 7 + 3 मतलब 10, तो 5 2 3 एक हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। उसको देखो हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट में देखो यहाँ पे 3 5 2 और 5 2 3 दोनों हमारे आंसर दिए गए, ठीक है। ये हो गया। फिर आते हैं हम लोग 2 पे, तो 2 + 3 5, 5 + 0 मतलब 5 और 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो एक हो जाएगा 2 3 0 1 4, एक ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन देखो 2 3 0 1 4 आ गया। अब हम लोग 3 पे आते हैं, 3 + 0 + 1 + 4, तो ये आएगा आपका 8 करीबन आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर क्या सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप पता कर सकते हो कि एक नंबर में उसकी लाइन से सीक्वेंस से उसके डिजिट को उठाओ, अगर उन डिजिट का सम जो है वो 10 आ रहा है तो उनको उठा के निकाल के बाहर रख के लिस्ट में रख दो, बस सिंपल इतना ही करना है। तो इसी को कहते हैं 10 सब स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दी होगी 3 5 2 3 0 1 4, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एक एक डिजिट को उठाना है, ठीक है, और उसको ऐड करते रहना है जब तक मुझे 10 ना मिल जाए, ठीक है। जैसे ही मुझे 10 मिल जाएगा मैं जो भी कॉम्बिनेशन मेरे डिजिट आएंगे उन सबको उठा के एक लिस्ट में रख दूंगा, ये मेरा कोड कहता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने एक नम एसटीआर में एक कोई भी नंबर था उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रखा और उसे फाइंड 10 सब स्ट्रिंग नाम के फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि जो भी एक एक पहली बार तो लिस्ट बनानी है जिसमें सारे के सारे डिजिट्स हो सकती हैं जिसको सम करने के बाद 10 आएगा। तो उसके लिए लिस्ट वन नाम का मैंने एक सोल्यूशन है, आंसर है मेरा लिस्ट वन में स्टोर हो जाएगा, उसके लिए मैंने एम्प्टी लिस्ट बना रखी है। फिर आते हैं हम लोग एसटीआर वन में। एसटीआर वन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वन क्यों बना रखा है, क्योंकि जितनी भी मुझे अब जैसे एक बार 3 आया तो 3 के बाद हमें अगली वाली डिजिट तो जाएंगे, उसके पहले हमें 3 को ही तो याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने पहली डिजिट कौन सी उठाई, 3 उठाई है, तो 3 को स्टोर कर लेंगे एसटीआर वन में। तो वही कॉम्बिनेशन स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे एम्प्टी बना के रखे हुए हैं। फिर आते हैं हम लोग ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 कर दिया। मैं बताता हूँ ए की वैल्यू 0 क्यों करिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास जो सम आ रहा है, जो आंसर हमारा आ रहा है इन सबको ऐड करने में, अभी तक हमने कोई भी डिजिट डिस्कवर नहीं करी है, अभी हम लोग लिस्ट में आए ही नहीं है, तो अभी सम की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे ए को एक तरह से आप सम की तरह ले सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं उस स्ट्रिंग में पहली बात तो एक लूप लगाता हूँ रेंज में 0 से लेके उस नंबर की हर एक डिजिट मुझे एक एक बार उठानी है, इसलिए मैंने क्या करा एक लूप लगा दिया। फिर मैं क्या करूँगा ए में हर बार ए प्लस इंट, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे। तो ये देखो मैंने क्या करा कि ए प्लस इंट नम एस टी आर आई, तो मैंने क्या करा कि उस पर्टिकुलर डिजिट को उठाया जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में थी, उसको मैंने इंटीजर फॉर्म में बदला और उसको सम में रख दिया, ठीक है। फिर मैं नीचे आया, अब जैसे मैंने कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई भी नंबर पिक करा, इसमें 2 में सबसे पहले आया होगा तो 2 पिक करा, तो उससे मतलब नहीं है कि ये आगे जाके 10 बन पाएगा कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो यही है कि 2 पिक करा है तो इसको पहले सम में रखो, तो वही मैंने यहाँ पे करा है ए इक्वल टू ए प्लस, इसको सम में मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया है कि एक बार मैंने 2 रख दिया है तो अभी मुझे नहीं पता है कि 10 बनेगा कि नहीं, मगर तब तक मुझे इसको एज अ एक स्ट्रिंग रखना तो पड़ेगा अपने पास, ताकि मान लो अगर आगे जाके कभी बन जाता है तो मैं इसका यूज करके इसी को उठा के डायरेक्ट रख दूंगा मैं लिस्ट के अंदर, तो वही मुझे करना है। तो एस टी आर एक एम्प्टी स्ट्रिंग में मैंने क्या करा कि उस 2 को उठा के उसमें रख दिया, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या ए की वैल्यू 10 है, तो अभी तो ए की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो क्या ए की वैल्यू 10 है, अभी नहीं है, तो अगर 10 नहीं है तो दोबारा ऊपर आया, ठीक है। दोबारा ऊपर आया तो इस बार 8 उठेगा, 8 उठा और वो जाके ए में ऐड हो गया, तो ए में अब कितना हो गया 2 + 8 मतलब 10, तो ए में आ गया 10 और एस टी आर 1 में कितना आ गया 2, और स्ट्रिंग है स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन होगा तो 2 + 8 मतलब 28 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या एक वैल्यू 10 है, तो एक वैल्यू 10 है अभी यहाँ पे, तो एक ही वैल्यू कर देगा 0 क्योंकि 10 हमें मिल गया, तो एक वैल्यू हो गई 0 और हमारा जो आंसर है उसमें जाके 2 और 8 को जाके 28 हमारी स्ट्रिंग जो थी उसको अपेंड कर देगा लिस्ट 1 डॉट अपेंड एस टी आर 1। तो हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया 2 और 8। अब अगली बार हम 8 को उठाएंगे, फिर उसके बाद हम और एक और 2 को उठाएंगे, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई करते जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हमने इसको
अपनी लिस्ट में रख दिया, तो str1 जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको दोबारा से खाली कर दिया ताकि दोबारा कोई और नंबर आए तो उसको शुरुआत से वहां से उठा ले। तो इस तरह से हमने क्या करा कि ये वाला कोड करा हुआ है। फिर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में, तो ये है कि राइट ए रिकर्सिव फंक्शन फॉर पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मगर इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले हैं पैलिंड्रोम के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस पैलिंड्रोम नाम का हम एक फंक्शन बना देंगे जिसमें हमारा एक वर्ड जो है वो इनपुट जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या कहना है कि देखो, हमेशा हम जानते हैं रिकर्सिव जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है हमारा बेस केस कि हमारा वो फंक्शन खुद को कॉल करना कब बंद करेगा, और दूसरा होता है रिकर्सिव केस जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। बिल्कुल सेम इसमें भी दो चीज़ें होंगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेस केस के बारे में। तो बेस केस में क्या होगा, आप ये बताओ कि कब हमारा कोई वर्ड पैलिंड्रोम नहीं होगा, या फिर कोई भी वर्ड है अगर पैलिंड्रोम हो रहा है तो वो आके कब वो कंडीशन रुकेगी। तो वो कंडीशन कब रुक सकती है, जब उस वर्ड की लेंथ जो है वो एक से कम हो जाए, जब वो वर्ड ही खत्म हो जाए तभी वो वर्ड जाके उसको चेक करना बंद करेगा वो पैलिंड्रोम। तो भाई हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी कि अगर हमारे वर्ड की लेंथ किसी भी रीजन से अगर कम हो जाती है 1 से, ठीक है, मतलब वो जो है एम्प्टी हमारा वर्ड हो जाता है, उस वर्ड में एक भी कैरेक्टर नहीं बचता है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने रिकर्सिव केस में। रिकर्सिव केस क्या होता है, हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है जिसमें हम अपने ही इस कोड को बार बार, अपने इस फंक्शन को बार बार कॉल करें। तो वो कैसे करेंगे, अब इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो, हमारा जो भी पैलिंड्रोम वर्ड होता है वो होता क्या है, उसका जो पहला कैरेक्टर है और जो आखिरी कैरेक्टर है वो तो सेम होगा ना, तभी तो पैलिंड्रोम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर मेरे उस वर्ड के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी, मतलब पहला कैरेक्टर, जो वर्ड के निगेटिव इंडेक्स में -1 में पड़ी, मतलब आखिरी कैरेक्टर के क्या बराबर है, अगर वो बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, वो उस वाले कैरेक्टर को, पहले वाले कैरेक्टर को हटा देंगे, आखिरी वाले कैरेक्टर को हटा देंगे, जितना वर्ड बचेगा उसको दोबारा फंक्शन के पास भेज देंगे। तो वही हमने करा है कि अगर वर्ड का जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी क्या वो इक्वल है वर्ड के निगेटिव इंडेक्स में, मतलब लेफ्ट साइड वाले पे आखिरी वाले कैरेक्टर के, अगर इक्वल है तो हम लोग उसी फंक्शन को दोबारा बुला देंगे और उसमें से वो दोनों जो कैरेक्टर हम लोगों ने चेक करें इसको हटा देंगे, बाकी बचा हुआ वर्ड उठा के दोबारा इस फंक्शन को पास कर देंगे। तो उसने क्या करा, 1 से लेके -1 तक का, मतलब -1 इंक्लूड नहीं करेगा, आखिरी वाला इंक्लूड नहीं करेगा, 1 से लेके -1 तक के जितने भी कैरेक्टर हैं बीच के उनको उठा के दोबारा इस फंक्शन को दे देगा। अगर मान लो किसी भी रीजन से हमारे वर्ड में पहला जो कैरेक्टर है वो आखिरी कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो भाई जब पहला कैरेक्टर आखिरी कैरेक्टर के इक्वल नहीं तो पैलिंड्रोम होएगा ही नहीं, और जब पैलिंड्रोम होएगा नहीं तो एल्स में आगे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, सिंपल। तो इस तरह से हमारा पैलिंड्रोम का ये वाला कोड हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, इस पैलिंड्रोम में MADAMA इसको मैंने पास करा हुआ है, और इसका जो भी आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा वो आके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हमारा कोई वर्ड जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, खाली स्ट्रिंग है, तो खाली स्ट्रिंग एक तरह से पैलिंड्रोम ही है, तो सीधा आएगा चेक करेगा क्या लेंथ ऑफ वर्ड, तो वर्ड में तो कुछ नहीं पड़ा है, तो 0 is less than 1, क्या 0 कम होता है, 1 से होता है, तो रिटर्न कर देगा ट्रू। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू कि हाँ वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। इसके हिसाब से हम फिर बाद में रिजल्ट को चेक कर लेंगे कि अगर रिजल्ट ट्रू है तो कह दो कि गिवन वर्ड इज पैलिंड्रोम, अगर रिजल्ट फॉल्स है तो फिर क्या प्रिंट कर दो, गिवन वर्ड इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इस तरह से हमारा ये वाला फंक्शन हो जाएगा। फिर आते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर नाम का फंक्शन कंप्लीट करना है जो कि हमसे एक इनपुट लेगा, वो होगा नंबर n, ठीक है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, वो सबसे छोटा नंबर जिसके n डिवीजर हो। कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 16 है तो मुझे सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके 16 के 16 डिवाइड करने वाले और एलिमेंट्स हो, कह सकते हो जैसे कि 120 है, ठीक है, तो इसको 1 डिवाइड करता है, इसे 2 डिवाइड करता है, इसे 3 डिवाइड करता है, ऐसे ही 16 और हैं जो 120 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें उन एलिमेंट्स को ढूंढना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके n, n की वैल्यू क्या है 16, जिसके n डिवीजर है, मतलब उसको n टाइम डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स हैं, ऐसा सबसे छोटा नंबर मुझे ढूंढना है। तो अगर इसके कोड में आते हैं तो एक चीज तो पक्का है कि हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए उस नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n में वैल्यू रख देंगे 16, ठीक है, क्योंकि हमें 16 के लिए चेक करना है, नम में क्या पड़ा हुआ है 16। फिर हमने प्रिंट कर दिया द नंबर ऑफ डिवीजर्स, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो उस नंबर को, हमारे जो भी आंसर आने वाला है उससे डिवाइड कर पाएंगे, तो 16 ऐसे नंबर्स हैं, तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। फिर हमने फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर में ये भेज दिया, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर पे हम जैसे आए तो हमें पता है कि हमें उस नंबर का क्या करना है, हमें उस नंबर का फैक्टर निकालना है, उसके फैक्टर्स को ही तो काउंट करना है। अब जिस भी नंबर के जब फैक्टर को हम काउंट करेंगे अगर वो 16 आ जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, तो वही तो मुझे करना है। तो पहले फैक्टर वाले कोड पे आते हैं कि मैंने फैक्टर वाला कोड कैसे लिखा है। देखो तो मैंने क्या करा, फैक्टर वाले में कोई भी नंबर आएगा,
काउंट की वैल्यू जीरो है, मुझे काउंट करना है ना कितने नंबर उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, वन से लेके उस नंबर तक एक लूप चलाऊंगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारे एन की वैल्यू, मतलब जो भी हमारा नंबर आने वाला है, अगर उसको ऐसा कोई भी आई की वैल्यू है जो डिवाइड कर पा रही है, अगर डिवाइड कर पा रही है मतलब वो क्या है, डिवीजर है, अगर वो डिवीजर है तो उसको काउंट कर लो। तो मैं उसे काउंट कर दूंगा, तो मतलब एक नंबर इनपुट आएगा और उसके कितने नंबर ऑफ डिवीजर है, उसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर लेते हैं, उनको काउंट करके हमें फंक्शन वापस कर देगा। तो हमारे इस फंक्शन का काम इतना ही है, ठीक है। फिर आते हैं फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर पे, तो इसमें नम की वैल्यू जाएगी, मतलब 16 उसको डिवीजर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 16 फैक्टर्स हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जीरो है, ठीक है। मैंने क्या करा कि मुझे नहीं पता है ना ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 16 डिवीजर होंगे, तो मैंने वाइट रू, मतलब जब तक आंसर ना मिले तब तक लूप चलने दो। हर बार मैं करूंगा क्या, हर एक नंबर को वन से चालू करूंगा, ठीक है। हर एक नंबर को मैं भेजता रहूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऐसा कौन सा नंबर है भाई जिसके 16 डिवीजन है, ठीक है। उसको मैं फैक्टर्स के पास भेजूंगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे कि इसके दो फैक्टर निकले। जैसे 6 की बात करूँ तो 1 2 और 3, तो 6 के यहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ, अगर मान लो आई की वैल्यू 6 है जाती है, तो फैक्टर ऑफ 6 तो इसका कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो क्या 3 = 16, क्या 3 16 के बराबर है, ऐसा तो नहीं है। तो दोबारा फिर अगली बार किसको भेजेगा, 7 को भेजेगा, 8 को भेजेगा, 9 को भेजेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स अपने भेजते जाएगा, ठीक है। और जिस भी नंबर के हमें 16 फैक्टर्स मिल जाएंगे, 16 डिवीजर मिल जाएंगे, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो उसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमारे वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 डिवीजर होते हैं आपके 120 के, तो चेक कर लो 120 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है, 1 कर लेता है, ठीक है, 2 कर लेता है, 3 कर लेता है, 4 कर लेता है, 6 कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 कर लेता है, 12 कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप खुद ही काउंट कर लेना, काफी टीडियस वर्क है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आते हैं अपने इसे थर्ड वाले क्वेश्चन में कि फाइंड डुप्लीकेट्स। तो मुझे क्या करना है कि डुप्लीकेट फाइंड करने हैं, तो मुझे क्या होगा, एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें खूब सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। मुझे पता करना है कि इनमें ऐसे कौन से नंबर है जिनका डुप्लीकेट प्रेजेंट है उस लिस्ट में। तो देखो सैंपल इनपुट क्या होगा, एक हमारी लिस्ट होगी और हमें आंसर का देना है 12, 16, मतलब ये दो ऐसे एलिमेंट पाए गए हैं जिनका डुप्लीकेट इस लिस्ट में पाया जाता है। देखो एक बार 12 हमारा ये आ रहा है, एक बार 12 हमारा ये आ रहा है, तो एक बार 12 आ गया। 68 का देख लो, एक बार 68 थर्ड नंबर में यहाँ पे आ रहा है और एक बार 68 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि हम लोगों को कैसे डुप्लीकेट फाइंड करना है। तो इसके लिए एक लॉजिक है, तो मैंने क्या करा है कि काउंटर का यूज करके इसे सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग से भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अब से इसका यूज करना चालू कर दें। तो होगा कि लिस्ट ऑफ नंबर हमें दी गई है, ठीक है। हमने फाइंड डुप्लीकेट नाम का फंक्शन बनाया, उसको भेज दिया लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं काउंटर में लिस्ट ऑफ नंबर्स को भेज रहा हूँ। काउंटर क्या होता है, एक ऐसा हमारा फंक्शन होगा जो क्या करेगा, उसके लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उन सबको काउंट कर लेगा, वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और उसकी हमें एक डिक्शनरी बना के दे देगा, तो हम उस डिक्शनरी को डी में जाके सेव कर देंगे। फिर हमें की कॉमा वैल्यू पेयर पता है कि मतलब की क्या होगी कि 2, और वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। अच्छा, तो 2 के सामने वैल्यू क्या होगी, 4 बार। तो हमें एक कैरेक्टर मिल जाएगा, एक अपने डिजिट मिल जाएगी, उसके सामने वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, उस डिक्शनरी में एक लूप लगा देना है सिंपल, की कॉमा वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स में क्या करूँ, की कॉमा वैल्यू पे निकालता हूँ, चेक करूँ कि अगर किसी भी नंबर की वैल्यू, अगर किसी भी डिजिट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर वो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब पक्की बात है कि वो 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, एक से ज्यादा बार तो पक्का वो रिपीट हुआ है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में जो हमारा आंसर है, जो हमें लिस्ट देनी है, उसमें क्या अपेंड कर दो, उसकी पर्टिकुलर की अपेंड कर दो, मतलब जो नंबर रिपीट हुआ है उस नंबर को उसमें जाके रिजल्ट में रख दो। तो वही मैंने कहा रिजल्ट डॉट अपेंड के, और रिटर्न कर दिया मैंने रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा अगला प्रोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज 4 प्रोग्राम देखे। तो इनमें से पैलिंड्रोम का जो रिवर्सल वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं रिकर्सिव मेथड से करा हुआ है, तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है आप लोग के एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। तो इसको बस सिंपल एज अ नॉर्मल क्वेश्चन मत लेना, इसको अच्छे से समझना और इसके बाद इसे खुद से सॉल्व करके देखना।